बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, सफ़र में हूँ या घर पे हूँ, कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में अच्छे सेहत के साथ खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, रात को हम लोग काफ़ी देर हो गई थी और दिलों की थकन भी थी, तो हम लोग यहाँ होटल में आ गए और आज हमने अपना आराम किया। हाँ, हल्की सी डाली है उन्होंने, बर्फ ज्यादा नहीं डाली। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, मतलब वैसे इतना मजा नहीं जितना लाइफ में मजा आया। अच्छा, मुझसे कह रहे क्या कह रहे थे मुझसे, टीवी में देख लेना। नहीं नहीं, टीवी की बात अलग है और लाइव देखने में जो मजा ही अलग है। मुझे कहते टीवी में देख लेना, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। भले कुछ जानने वाला हो नहीं हो, घुस जाते थे हम घर में, घुस जाते थे बगैर बुलाए चले जाते थे हम लोग। और हमारी जो गुड़िया थी उसको बहुत शौकी थी। और बल्कि वो उसको शौकी मतलब एक कोई महफिल ऐसी होती जहाँ पे इंसान ही कहते ना एक बिल्कुल एक किसी बात में किसी चेंज जाता है। बहुत प्रोग्राम होते पहले होते थे बहुत ज्यादा, तो हम हर महफिल में तकरीबन हमें पता चलेगा हम पहुंच जाते थे। दूसरी जगह पे जाने में थोड़ा घबराती हूँ, मगर ऐसी महफिल में बगैर बुलाए चले जाती हूँ। तो गुड़िया जब छोटी थी ना, तो हम लोग एक बड़ा मिलाद हुआ था हैदराबाद में, वहां पर हम लोग गए थे। उसके बाद समझिए उसकी पूरी ये मतलब इस तरफ तो थी, नातों की तरफ थी, बचपन से पढ़ती थी, मगर बहुत ज्यादा फिर इसका रुझान है ना इस साइड पे हो गया था। वो ताहिर कादरी साहब का पहला प्रोग्राम था। हाँ, जहाँ पे बहुत नूरानी प्रोग्राम था। हाँ, वो भी बहुत चीज़ ये लग है ना वो। हाँ, वो ऐसा मतलब वो आज तक जिंदगी में ऐसा हमने वो भी मतलब उसने बहुत से लोगों के जिंदगियां बदल दी थी। प्रोग्राम वो खुले आसमान के नीचे था, बहुत आसमान पे जब हम देख रहे थे तो बच्ची भी आई थी जो पूरे कुरान को कहीं से भी वो कहीं से भी पढ़ रही थी। हाँ, काफी दूर बैठे उल्मा जो थे वो बड़े बड़े आलिम बैठे हुए थे, वो उंगली रखते थे वो पढ़ना शुरू कर देती थी। माशाल्लाह, वो बच्ची एक आई थी, उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा, कितनी बहुत छोटी बच्ची थी। अभी उसकी तालीम जा रही है, उसकी बच्ची की बड़ी हो गई होगी अब तो, मगर एक बहुत बड़ी बात है कि दूसरा कोई कुरान पाक जहाँ पर उंगली रख के पढ़ रहा है और वो उंगली रखी हुई और वो बच्ची वहाँ से पढ़ना शुरू कर देती है। अल्लाह की तरफ से उसको इतनी वो दी हुई थी कि वो हर चीज सलाहियत दी हुई थी उसमें, कि वो उल्टा कुरान भी मतलब कहीं से अगर बोलते थे इससे पहले बताओ क्या है। ऐसी महफिलों में जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए ऐसी महफिलों को, और हमारे नसीब में हमारे मुकद्दर में यहाँ थी ऐसी महफिल में शरीक होना। यहाँ का खाना खाना लंगर था, यहाँ का लंगर खाना, तो हम चले गए यहाँ पे। मैंने रात को ना छूट लिया, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लिया, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये प्रिंट स्टिच है और इस तरह से, अच्छा इसकी स्लीव्स है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, फुल स्लीव्स है और इस तरह से जो ना डिज़ाइन बनाया, और इसके दामन पे और क्या कहते हैं इसको चाकू पे ये ना गोल चाके और इसमें बिल्कुल बारीक सी ना किनारे लगी जो बहुत ही खूबसूरत लगी। अच्छा इसका गला भी जो है ना ऐसा बना हुआ है इस तरह से, तो ये मुझे जो है ना एक रुपये का मैं 2500 की पड़ी है, 2499 यानी 2500 की हुई। अच्छा ट्राउज़र इसका जो है मैंने अलग से लिया है, इसमें मिला के कोई से भी चल सकता है, इसमें वाइट ब्लैक या कोई से भी आप, मुझे ये अच्छा लगा मैंने ये लिया। ये मुझे जो है ये 1100 का से इसका दुपट्टा है, और इसका दुपट्टा जो है ना दुपट्टा मुझे 900 में मिला, तो एक भी मैंने सूट लिया अभी मैं पहनूंगी और एक ही मैंने लिया था लिबर्टी से। अच्छा ये देख के आपको बड़ी हैरत होगी, ये मैंने जो सूट लिया है ना ये मुझे स्टिच मिला है ये 2000 रुपये का, और ये मैंने इसलिए लिया कि ये खादी का जो है ना सेकंड कॉपी है, और अंबर ने भी लिया दिखाएगी आपको अंबर ने कौन सा लिया। अभी मैंने ऐसे रखा इसमें प्रेस करवाऊंगी। अच्छा ये थोड़ा लूज़ है काफ़ी, तो उसको थोड़ा सा मैं फिटिंग में करा दूंगी, मगर कपड़ा उसका मुझे अच्छा लगा और सिला हुआ है, और फिर ये ना
ऐसा मैंने जो लिया था 8,000 का लिया था मैंने एक खादी से, इसका ट्राउजर भी सिला हुआ है और जो ये होता है ना ये हिस्सा भी बिल्कुल सही है इसका बैंड, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, देखिए इस तरह से ना ऐसा प्रिंट हुआ है, बड़ा प्यारा लगा मुझे इसका दुपट्टा। तो 2,000 रुपये में मैंने जो है ना ये ले लिया, ये कलर मेरे पास था भी नहीं इस वजह से मैंने ले लिया, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इंग्लिश कलर, और इसके ऊपर ब्लैक जो है ना बस सिर्फ ही है। अच्छा आप बताइएगा ये दोनों सूटों में से कौन सा सूट अच्छा, अच्छा ये अपनी जगह ये अपनी जगह, मगर आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे बताइएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने तीर का निशान बनाया हुआ है कि यहाँ पर ना किबला है, वरना बाद लोग है ना छत के ऊपर बनाते हैं तो वो देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी जो है हम नमाज़ करेंगे, इसके बाद निकलेंगे, देखो कहाँ निकलते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का विच हेजल टोनर, ये बहुत ही अच्छा टोनर है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली रहती है, और आजकल गर्मियाँ हैं तो जैसे चूल्हे वगैरह के पास जाने से स्किन हमारी जो है ना डैमेज हो जाती है, और अजीब सी जो है ना हमारी जलन वगैरह होने लगती है, धूप में जाने से भी स्किन हमारी झुलस जाती है। तो ये आपकी स्किन की केयर करता है, फेस वाश से आप किसी भी फेस वाश से आप मुंह धोने के बाद इसको अपने फेस पे लगाएं, और ये बिल्कुल लिक्विड की तरह से आपकी ऑयल स्किन है तो आप इसको भी कंट्रोल करेगा, ये देखें इस तरह से ये। और इसका जो आप मंगवाना चाह रहे हैं तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेंशन वाला लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इतनी सारी नारी कौन खाएगा, मोहम्मद सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़ियाउलक शहीद। अच्छा जी यहाँ पे मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ, ये इंडिया में रहते हैं लखनपुर में फखरुल इमाम, तो उनके जो है ना ये ज़ियाउलक साहब हैं, उनके ड्राइवर होते थे एजाज हसन शाह, तो जो फखरुल इमाम है ना इंडिया में रहते हैं उनको अपने रिश्तेदारों की जो है ना तलाश है ताकि वो उनसे मिल सकें, और उनके जो इनके ड्राइवर थे ना एजाज हसन शाह उनके बेटे हैं मोहम्मद इश्तियाक हुसैन शाह और इम्तियाज़ हसन शाह और अशरफ हसन शाह, तीन बेटे हैं उनके। तो उनको जो है ना काफ़ी सालों से मेरे पास जो है ना उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ अपनी वीडियो के ज़रिए ना हमें बताएं अगर किसी को मालूम है उनके बारे में, यानी एजाज हसन शाह जो ज़ियाउलहक के जो ड्राइवर हुआ करते थे उनके, शायद वो अभी ज़िंदा हैं या नहीं है मगर उनके बच्चे तो होंगे या उनके बच्चे होंगे, तो अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे जो है ना ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको बता सकूं कि उनको जो है कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो ताकि वो उनसे कॉन्टैक्ट करें उनसे बात करें, वो बहुत जो है ना मिलना चाहते हैं, बहुत याद कर रहे हैं उनको अपने फूफा को और उनके बच्चों को। तो अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर मुझे बताएँ, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। तो उनके मेरे पास कमेंट्स आ रही थी, मैंने सोचा कि मैं जो है अगर किसी बिछड़े को मिला दूं तो इसका भी अल्लाह पाक बहुत अजर सवाब देता है, उम्र के बराबर सवाब होता है, यानी अगर कोई बिछड़ा हुआ है और हम इसको मिला दें, किसी में लड़ाई हुई हुई है तो उनकी गलत फहमियाँ दूर करके उनमें आपस में मिला दें तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश क्या करें कि जहाँ कहीं दूरी हो तो हम उनको करीब करने की कोशिश करें, अगर मेरी वीडियो के ज़रिए अगर कोई मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो मुझे बताएगा और मैं अगर उनको बताऊँगी तो जो है ना इसका एक एक नेकी का जो है ना हमारी नेकी लिखी जाती है इसका अल्लाह पाक अजर देने वाला, तो नेकियों की शक्ल में हमारी औलाद भी अच्छी हो सकती है, हमें अल्लाह पाक हर बुराई से बचा सकता है। तो आज मैं यहाँ आई थी, उनके जो है ना मैसेज जो था मैंने आप लोगों को पहुँचा दिया, तो ज़रूर मुझसे जो है ना रब्ता करें। तो अभी हम जा रहे हैं फैसल मस्जिद। अच्छा पहले अपन आए थे ना जब दिन में आए थे, अभी जो है फर्स्ट टाइम आए रात को, हैं फर्स्ट टाइम आए रात को, फर्स्ट टाइम आए। Oh,
अच्छा जो चप्पल थी ना वहाँ पर, वहाँ लिखा हुआ है 10 रुपए फी जोड़ी, मगर उन्होंने हमसे लिए 100 रुपए। 100 रुपए लिए क्यों? मैंने कहा आपने तो 10 रुपए लिखे हैं। बोलते जो नमाज के लिए जाता है ना उनके लिए 10 रुपए। तो मैंने कहा हम भी अभी जा रहे हैं इशा की नमाज अभी होने वाली, तो इशा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बोलते नहीं नहीं अजान के टाइम पे तो जाते हैं। यानी मस्जिद के अंदर भी रह के ना लोग झूठ बोल रहे हैं। 100 रुपए एक जूते के, चाहे एक जूता दो चाहे दो जूते दो, 100 रुपए ले रहे हैं। फिर भी बोलते हैं कि पहले जूता, पहले पैसे दे के जाओ, आते वक्त सिर्फ जूते देंगे, बाद में पैसे नहीं लेंगे। जूते तो हमारे तुम्हारे पास है ना। 100 रुपए दे दिए, तो लिखा हुआ है 10, नहीं लिखा हुआ 10 रुपए है और ना उस पर 100 रुपए ले रहे हो। तो मैं यही कह रही थी, फिर ना आपने लिखा हुआ क्यों 10 रुपए? तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मस्जिद के अंदर की जो है ना वीडियो बना के लाओ। मैंने तो अंदर से नहीं देखा, मुझे पता नहीं था कि साइड में जो है लेडीज़ मस्जिद भी है, वो ऊपर से रास्ता जाता है। तो मुझे भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ अदा करनी थी, मगर मैं नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इसका रास्ता नहीं पता था। मगर अंबर जो है उसने मुझे बाद में बताया जब मस्जिद जो है ना बंद हो गई थी। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत जो है ना मस्जिद है अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे कोई मदीने का मंजर होता है ना, ऐसे ही लग रहा था। और ये जो है सऊदीया के ताउन से ही बनाई गई है, तो काफ़ी बड़ा खूबसूरत ये फानूस लगा हुआ है। तो मैं ये जो है ना टीवी पे देखा करती थी, मगर जो है ना मुझे बाहर से ये नज़र आ रहा था, मगर अंदर जो है ना मर्दों की जो है ना बस उनको आने की इजाज़त है। तो बहुत बड़ा सा कुरान पाक रखा है और इतना हसीन लग रहा है ना ये कि बस सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना नमाज अदा करने की बात ही कुछ अलग है। आपने तो लिए दो भाई, आपने लिए और ना यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर लिखे हुए 10 रुपए, 10 रुपए लिखे हैं और आप ले रहे हैं 100 रुपए। 100 रुपए लिए दो जोड़ी के, फी जोड़ी 10 रुपए लिखे हैं। एक टोकरी में जोड़े ही काम करते, जितने मर्जी पैसे जोड़े, ये देखें 10 रुपए। आपसे भी लिए ना, सबसे ले रहे, आपसे भी लिए ना भाई, उनसे भी 100 रुपए लिए, उनसे भी लिए, हमसे भी 100 रुपए लिया। आपसे भी कितने लिए? 100 रुपए लिए। 100 रुपए लिए आप ही हो? नहीं नहीं आपने लिए थे भाई, आपने लिए थे, आपने लिए थे, आपने लिए भाई जान। 60 रुपए वापस कर। हाँ 60 रुपए वापस कर। आप सबसे 100 रुपए ले रहे हैं, गलत बात। टिकट आ गया मैं एक और बाइक पे जा रहा हूँ, गया मुनाल रेस्टोरेंट अल मुना, क्या लिखा है, ग्लोरिया जींस। तो जी अभी हम लोग आ गए थे मुनाल होटल में, और यहाँ पर जो हम आए ना तो पर काफ़ी रश हो रहा था,
तो अभी हम लोग बस यहाँ पे देखते हैं क्या खाते हैं, क्या चाय वगैरह पीते हैं। ज़्यादा कम से कितना घर में काफ़ी ज्वेलरी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, शो पीस है। हिरन हिरन है मेटल का, ये देखें पूरा इस्लामाबाद जो है ना नज़र आ रहा है। शायद आप लोगों को ना वीडियो में ना इतना अच्छा नहीं लग रहा हो जितना मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से ये गुलाब का फूल यानी गिफ्ट में, एज अ तोहफा, एज अ गिफ्ट, ये लगा लो जेब में लगा लो।
बालों में लगा दो। अच्छा मैं यही देख रही थी कि वो कोई नजर नहीं आ रहा, मैं इनको क्या गिफ्ट दूँ। इतना खूबसूरत रोड है ये ना, मुझे इस्लामाबाद मुझे बहुत प्यारा लगता है। रोड पे मजा आता है, रोड पे लॉन्ग ड्राइव करो। क्या बोला, अभी गए थे ना पुल के नीचे से गुजर के गए थे, वहाँ चलो। खिड़कियाँ बंद करो, बहुत सर्दी हो रही है, खिड़की बंद करो, ठंड हो रही है। खिड़की खुल जाएगी, दरवाजा शीशा बंद करो। हाँ वही, चलो भाई गाना सुनो। अच्छा जी, तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अच्छे से कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे चला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।